कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ उनके संबंधों को लेकर कई आरोप लगाए। इस दौरान बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब भी दिया। राहुल गांधी पार्लियामेंट में ये कहते नजर आए कि सरकार ने अडानी को हवाई अड्डे देने के लिए नियम बदले। वहीं बीजेपी ने कहा कि हवाई अड्डों का यूपीए ने निजीकरण किया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिन कंपनियों को पहले हवाई अड्डे का अनुभव नहीं था, उन्हें हवाई अड्डों को चलाने का को नहीं मिलते थे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जीवीके जेएमआर और को हवाई अड्डे दिए, उनका क्या अनुभव था। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हवाई अड्डा अडानी को देने के लिए जीवीके पर एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया गया। बीजेपी ने इसके जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, कोई सबूत नहीं दिए हैं, या तो वो सबूत दें या माफी मांगे। राहुल गांधी ने साथ साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर अडानी के लिए सौदे करते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया और लापरवाह आरोप बताया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी के रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी गहलोत अडानी के रिश्तों के बारे में भी बात पहले कर ले। इंडिया मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे बाय जीवीके हाईजैक बाय यूजिंग द एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते।